हेलो स्वागत दोस्तों। है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य असम के बारे में। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में बसे सात राज्यों में, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश हैं। इन सात राज्यों को सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है। असम उनमें से एक है। यहाँ की मनमोहक आबोहवा का आनंद लेने के लिए विश्व भर से सैलानियों का आगमन होता है। दोस्तों, असम का एक प्राचीन इतिहास रहा है। असम का इतिहास भारतीय आर्य, तिब्बत बर्मी और ऑस्ट्रो एशियाई संस्कृति के अच्छे मिश्रण की कहानी है। असम अपनी प्राचीन धरोहरों, प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों, पुरातन इतिहास और खूबसूरत संस्कृति के लिए भारत में विशेष स्थान रखता है। असम की कुछ सीमा भारत के पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश से भी मिलती है। सामान्य रूप से असम नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है वो भूमि जो समतल नहीं है। वहीं कुछ विद्वान इसके नाम का अर्थ अनुपम और अद्वितीय भी बताते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भारत के प्राचीन भौगोलिक सांस्कृतिक राज्य असम की उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हरे भरे हरियाली से संपन्न, स्वादिष्ट चाय, पेट्रोलियम संसाधनों, समृद्ध वनस्पतियां और वन्य जीवों के लिए दुनिया भर में मशहूर असम राज्य को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राग ज्योतिषपुर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रचलित महाभारत काल से जुड़ी हुई अनेक कथाएं लोगों द्वारा आज भी सुनी जा सकती हैं। यहाँ से गुजरती ब्रह्मपुत्र नदी असम का कुदरती श्रृंगार करती है। इस नदी के कई शाखाओं में विभक्त हो जाने के कारण मांजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी स्थित द्वीप है, यहाँ की वनच्छादित जमीन चाय, जूट, गन्ना आदि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चाय के बगानों के लिए यह राज्य पूरे भारत में प्रसिद्ध है। असम की शिल्पकला को भी एक समृद्ध परंपरा रही है। वर्तमान केन, बांस, शिल्प खिलौने, मिट्टी के बर्तन और हाथी दांत देश भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनमें प्राचीन किले, मंदिर, पुरातात्विक साइट्स और राष्ट्रीय उद्यान हैं। पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर ललितगढ़ का किला, करीमगंज जिले में स्थित बादरपुर का किला, प्राचीन शाही महल, करेंग घर, गोदाधर नदी के पास स्थित मटियाबाग हिल्स पर स्थित मटियाबाग राजबाड़ी किला आदि की यात्रा आप इतिहास की बेहतर समझ के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिरों में कामाख्या मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना है, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित देवी डोल मंदिर, उग्रतारा मंदिर, शिव डोल मंदिर, नवग्रह मंदिर और मदन कामदेव मंदिर जैसे अनेक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। असम में कई राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यहाँ पर जोरहट शहर के करीब मांजली द्वीप दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर स्थित रंगघर एक दो मंजिला इमारत है, जो अहोम साम्राज्य की पहचान भी है। रंगघर वास्तुकला का एक शानदार नज़ारा है, जो विशेष रूप से पके हुए लाल ईंटों से बना हुआ है। स्मारक के आधार पर कई धनुषाकार प्रवेश द्वार हैं, जबकि छत पर पत्थरों के मगरमच्छों की जोड़ी उकेरी गई है। इस राज्य का हाजो पर्यटन स्थल हिंदू, बौद्ध, इस्लाम तीन धर्मों का तीर्थ स्थल है। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित भारत का सबसे छोटा आबाद द्वीप है। नववर्ष बैसाख यहाँ बिहू के नाम से मनाया जाता है। यहाँ की बिहू जनजाति खुद को ब्रह्मा का और कार्बी जनजाति सुग्रीव का वंशज मानती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा असमी और अंग्रेजी है। यहाँ की आबादी में लगभग 64% हिंदू और 34% मुसलमान हैं। यहाँ का राज्य पक्षी वुडडक है और राज्य पुष्प द्रौपदी माला है। तो दोस्तों, ये थी असम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।